छठीगरा बरसाना बाईपास मार्ग पर बाइक और कार की भिड़ंत, एक घायल। गोवर्धन थाना क्षेत्र के बरसाना मार्ग पर नीम गांव के पास बने नए बाईपास मार्ग पर आज बाइक और कार की भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर तुरंत स्थानीय लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों ने इसकी सूचना 100 नंबर पुलिस और गोवर्धन थाना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर 100 नंबर पुलिस ने पहुंचकर घायल राजू निवासी जानू थाना बरसाना को स्थानीय लोगों के सहयोग से हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां से उसकी हालत को देखते हुए मथुरा के लिए रेफर कर दिया गया। जबकि बताया जा रहा है कि कार सवार एक युवक और दो युवती गाड़ी को वहीं छोड़कर फरार हो गए। गाड़ी नंबर UP 81AQ 6875, जो कि मंगलायतन यूनिवर्सिटी के नाम पे है, को पुलिस ने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ये क्या घटना हुई अभी यहाँ पे? हमें कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि रेलवे स्टेशन के पास में जो गोवर्धन बरसाना मार्ग, जो संपर्क मार्ग है, नया बाईपास बना है, उस पर एक एक्सीडेंट हुआ था। तो हम मौके पर पहुंचे तो मौके पर हमें जो घायल था उसको, वो तो मिला नहीं, उसको यहाँ के स्थानीय लोगों ने हॉस्पिटल के लिए एम्बुलेंस के द्वारा भेज दिया गया। क्या नाम था उसका? नाम था उसका राजू। कहाँ का रहने वाला था? ये था जानू गांव, जो थाना बरसाना में पड़ता है। अच्छा। उसका वहाँ का रहने वाला था। इसके सर में काफी चोट आई है। और जो उसकी टक्कर हुई है, किस गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हुआ? उसकी फोर व्हीलर है, ये इंडिगो, टाटा की इंडिगो है, जिसका नंबर है UP 81AQ 6875। इस गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हुआ है, आमने सामने एक्सीडेंट हुआ है। गाड़ी जो चला रहे थे, उन लोगों के विषय में कुछ पता चल पाया? उन लोगों के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं हुई। वो हमें आने से पहले वो लोग फरार हो चुके थे गाड़ी छोड़ के। कितने लोग थे गाड़ी में, किसी ने बताया? वो स्थानीय लोगों ने हमें बताया कि 3 लोग थे, उसमें एक जेंट्स था, 2 लेडीज थे। अच्छा।